Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you are all fine. Now I am your teacher Ms. Sumaira and this is your maths workbook Oxford New Countdown book 1. Dear student, open the page number 6. Now अब हमारा जो एक्सरसाइज जो है वो हमारी सम्स ऑफ एडिशन की है जो हमारी कंटिन्यू हो रही है इस वर्कशीट में भी राइट. आप पेज नंबर 6 जब ओपन करेंगे आपको उस वर्कशीट जो है बुक में सम्स ऑफ एडिशन जो होंगे वो आपको करने होंगे. स्टूडेंट मैं आपको यहाँ पे 1 to 4 जो है वो सम सॉल्व करके बता देती हूँ स्टिक के ज़रिए. बाकी का काम जो है वो मैं आपको वर्कशीट में समझाऊँगी ठीक है. नाउ ए, अब यहाँ पर क्या है आपने करना है 3 साइन किस चीज़ का है प्लस 2. तो आप पहले यहाँ पे ड्रॉ करेंगे 3 स्टिक्स बिल्कुल 3 के सामने 1, 2, 3 और नीचे कौन सा नंबर है 2, 1, 2. अब आप इनको काउंट करेंगे तो भी आप स्टिक से ही काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5. यस, तो हमारा आंसर क्या आया बॉक्स में. मैं ये सिर्फ आपको स्टूडेंट्स जो है वो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के लिए मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ. आप बुक में ये कोई भी एक्सरसाइज नहीं करेंगे, आपको सारा काम अपनी कॉपी में करना है वर्कशीट के ज़रिए ठीक है ना. तो ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे सॉल्व करने के लिए बता रही हूँ. 5 इज़ द आंसर. नाउ बी, नंबर कौन सा है 7. वेरी गुड. तो हम कितनी लाइन यहाँ पर स्ट्रिक ड्रॉ करेंगे 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और सामने कौन सा नंबर है 3, 1, 2, 3. अब हम इन सब को काउंट करेंगे उसी तरीके से आप स्टिक को कीजिएगा ऊपर से. अब मैं आपको वैसे ही डायरेक्ट बता देती हूँ काउंट करके. तो आंसर यहाँ पे क्या आएगा हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. यस, तो आपका आंसर आ गया 10 ठीक. अब हम आ रहे हैं अपने सी की तरफ, सी वाला सम्स 4 + 6. आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास 4 स्वीट्स हैं 1, 2, 3, 4 और आपको मम्मा ने 6 स्वीट्स और दे दी 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो अब आपके पास टोटल स्वीट्स कितनी हो गई काउंट करके मुझे बताइए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. वेरी गुड, यहाँ पे भी आंसर हमारा 10 आ रहा है. अब ये डी है, इसमें कितनी लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे भी. चले मैं आपको एग्जांपल देती थी. फॉर एग्जांपल आपके पास 3 चिप्स के पैकेट हैं 1, 2, 3 और 3 चिप्स के पैकेट आपको बाबा ने दे दिए, आपके अब्बू ने दे दिए और 3. अब हम टोटल कितने आ गए हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6. वेरी गुड. ओके डियर स्टूडेंट, बाकी के जो नीचे के सम्स हैं वो आप खुद इसी तरीके से सॉल्व कीजिएगा. सिर्फ समझाने के तौर पर मैं आपको बता रही हूँ, बाकी काम हम अब वर्कशीट पर कंटिन्यू करेंगे. ओके डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखें वर्कशीट है जहाँ पे अभी मैंने आपको जो बुक्स में समझाए थे वही सम्स मैंने वर्कशीट में आपको यहाँ सॉल्व करके भी दूंगी मैं आपको आंसर के साथ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. ए, यहाँ पे नंबर कौन सा है 3 + 2. टीचर ने पहले से यहाँ पे ड्रॉ की भी है ना लाइंस 3, यानी इसको मैं फिर से आपको बता देती हूँ 1, 2, 3 और नीचे कितनी है 2. अब इन सबको प्लस करें 1, 2, 3, 4, 5. आंसर हमारा क्या आएगा यहाँ पे 5. वेरी गुड. नाउ द सेकेंड सम्स 7 + 3. अब आपने काउंट किया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. वेरी गुड, आंसर इज 10. नाउ नंबर सी, नंबर इज 4, 1, 2, 3, 4. स्टूडेंट आप जब काउंट करेंगे ना तो आप अपनी पेंसिल से भी इसको इस तरीके से काउंट कीजिएगा 1, 2, 3, 4 और नीचे कौन सा 6 1, 2, 3, 4, 5, 6. अब इन सबको प्लस करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. यहाँ पे भी हमारा आंसर 10 आ गया. डी 3, 1, 2, 3, जो नंबर होता है ना उसके सामने उतनी ही स्टिक्स लगाएंगे हम राइट. एंड अगेन 3, अब इन सबको काउंट कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है ना. ये तो आपके 4 सम्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए. अब हम दूसरे पर आ रहे हैं. नाउ नंबर इज ई. ओके नाउ ई सम्स नंबर इज 5. अब 5 स्टिक्स टीचर ने आपको ड्रॉ करके दी हैं, अब आप इसको काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5 और नीचे कितनी स्टिक्स हैं. नंबर 4 है तो 4 स्टिक्स हैं
वन टू थ्री फोर. आंसर अब इनका क्या आएगा जब हम प्लस करेंगे, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन. वेरी गुड, नाइन आपका आंसर आ गया. देखिए टीचर आपको सॉल्व करके इसका साथ दे रही है. आप जब काम करेंगे ना अपनी वर्कशीट को सामने इसी तरह से रखिएगा, वीडियो को रखिएगा और सम्स को सॉल्व कीजिएगा. नंबर एट, स्टिक कितनी है, एट. इसको भी इसी तरीके से काम करें, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड वन. अब ओवरऑल जब इनको काउंट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन. अब आ रहे हैं हम अपना जी की तरफ. वन सिंपल सा नंबर है, वन. आपने इसको इस तरीके से काउंट किया, वन, और नीचे क्या है, नाइन. ठीक है ना. अब मैं स्टिक बार बार नहीं लगा रही हूँ, अब आप अपनी खुद जब आप करेंगे ना वर्कशीट में तो आप स्टिक कीजिएगा. मैं आपको डायरेक्ट का आंसर बता देती हूँ, वन प्लस नाइन कितने होंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन. यस, इसका आंसर भी आ गया टेन. नाउ एच वाला देखिए, सिक्स प्लस थ्री, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, और प्लस उसमें थ्री कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, सेवन एट नाइन. यस नाइन. आई टू प्लस सेवन. अब इसको मैं आपको ऐसे एग्जांपल देती हूँ कि आपके पास टू स्वीट्स हैं, राइट. टू स्वीट्स ही आपके पास, मामा ने आपको सेवन स्वीट्स और दे दी, तो टोटल स्वीट्स आपके पास कितनी सारी हो गई भाई. यस, चलें हम काउंट करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन. तो आपके पास नाइन स्वीट्स आ गई. ओके, नंबर जे, नंबर कौन सा है, सेवन एन प्लस वन. अब इसको प्लस करते हैं डायरेक्ट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, और उसमें हमने प्लस ऐड कर दिया वन, तो हमारा आंसर आ गया एट. के पे आ जाइए, फाइव और अगेन फाइव. यानी आप लोग बाज़ दफ़ा कहते हैं ना टीचर दोनों नंबर एक जैसे हैं, तो देखिए जब दो नंबर एक जैसे होते हैं तो उनका आंसर क्या आ रहा है, फाइव. वन टू थ्री फोर फाइव, अगेन प्लस फाइव को काउंट करेंगे, सिक्स सेवन एट नाइन टेन. इसका आंसर क्या आया, टेन. एंड द लास्ट सम्स इज वन प्लस फोर, वन प्लस फोर, वन टू थ्री फोर. आंसर हमारा इसका आ गया वन प्लस फोर फाइव. ओके डियर स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, अब आप नेक्स्ट पेज लीजिए. अब आपको मैं क्या करवाऊंगी, आपको मैं करवाऊंगी डेफिनेशन ऑफ सर्कल. क्लास केजी तक तो आपने डायरेक्ट सिर्फ शेप्स पढ़े थे ना, उनके नाम लिखे थे, उनमें कलरिंग की थी, लेकिन चूंकि अब आप क्लास वन के स्टूडेंट हैं तो अब आप क्या करेंगे, आप पूरी सर्कल की डेफिनेशन पहले टीचर से समझें फिर उसको कॉपी डाउन करें. नाउ इट इज राउंड इन शेप विच हैज़ नो साइड एंड नो कॉर्नर. यानी क्या मतलब हुआ, सर्कल जो है वो कौन से शेप में है, राउंड सर्कल शेप में है, इसका कोई साइड नहीं है और इसका कोई कॉर्नर नहीं है. अ वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ सर्कल. आपने इसको कॉपी डाउन करना है, आप अपने जो है इसकी ड्रॉ कीजिएगा पिक्चर और उसमें अच्छी सी कलरिंग भी कीजिएगा. ओके डियर स्टूडेंट, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस वर्क. अगर आपको कोई डिफिकल्टी हो तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा. ओके डियर स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर.